गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज आज है कौन सा, हाँ कल का मंडे था, तो आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं बनाने वाली हूँ खाना। एक्चुअली आज ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा आलस आ रहा था। मौसम मीन्स अद्विक भी फ्रेश हो गया है, देखो। नहीं, ये कपड़े पहने हाँ अद्विक ने ये कपड़े पहने, देखा तो ले। मौसम की वजह से थोड़ा सा आलस आ रहा है क्योंकि मौसम ना ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है और कल तो इतनी ज्यादा बारिश हुई यार। दोपहर से मैंने वीडियो अपलोडिंग के लिए डाला था फिर भी अपलोड नहीं हुआ, रात को फिर वो मैंने शेड्यूल करके रखा फिर, तो इसीलिए वो आज सुबह गया वीडियो। ऐसा मौसम रहता ना तो नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और फिर ना मेरा वीडियो ही अपलोड नहीं होता है। तो चलिए अभी खाना बनाने वाली हूँ और आज ना खाने में बहुत ज्यादा अच्छा मतलब टेस्टी वाला खाना बनने वाला है। जैसे शादी वगैरह में नहीं बनती आलू की सब्जी, वैसे आलू की सब्जी और पूरी बनाने वाली हूँ, तो आज बहुत ही यम्मी सा लंच होने वाला है। तो चलिए जल्दी से बनाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है, वैसे ये इनको टाइम है आने में ड्यूटी से, बट कोई बात नहीं, अभी टाइम तो लगेगा ही खाना बनाने में। तो चलिए जाते हैं किचन में और खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ और फिर लंच करेंगे यम्मी सा आज। और इनको कॉल करना है मुझे उससे पहले, क्योंकि ना इनको मुझे बूंदी लाने के लिए बोलना था, बूंदी का रायता बनाना है, तो बूंदी खत्म हो गई तो बूंदी लाने के लिए बोलती हूँ। पहले कॉल करती हूँ इन्हें फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे बारिश का मौसम है और इस मौसम में मॉस्किटो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों को मॉस्किटो से दूर रखना हमारा काम होता है। वैसे भी कोरोना का टेंशन क्या कम है, नहीं तो फिर डेंगू और मलेरिया का भी टेंशन आ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को ना मॉस्किटो से सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का ये फैब्रिक एंड बॉडी रोल ऑन। तो पार्ट आपके बच्चों का कपड़ों से कवर होता है उस पर आप फैब्रिक रोल ऑन यूज़ करिए, और जो पार्ट ओपन होता है तो उस पर आप बॉडी रोल ऑन यूज़ करिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के कपड़ों के ऊपर से भी मच्छर नहीं काटेंगे और डायरेक्ट बॉडी पर भी मच्छर नहीं काटेंगे, तो मच्छरों से ये सेफ रखेगा बच्चों को। और आप सभी को पता है मामाअर्थ ये कितना अच्छा ब्रांड है और मैं अपने बच्चों के लिए मामाअर्थ के ही सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं मामाअर्थ पे आग बन करके ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए सेफ़ है, 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड है वो भी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि लैवेंडर ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल, इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड है। इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके बच्चों के लिए सेफ़ होगा या नहीं होगा। और ना इसे आप एक बार अप्लाई कर दोगे आपके बच्चों के कपड़ों के ऊपर और बॉडी के ऊपर, तो ये आपके बच्चों को मॉस्किटो से 8 आवर्स तक प्रोटेक्ट करेगा। आप सभी को पता है कि अभी की सिचुएशन कैसी है, तो इस सिचुएशन में हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए और इंडियन ब्रांड्स ही यूज़ करनी चाहिए, वोकल फॉर लोकल। तो ये जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है और इस ब्रांड की खासियत मैं आपको बताऊँ तो इस ब्रांड की खासियत है कि ये जो ब्रांड है वो एशियाज़ फर्स्ट मेडसिप सर्टिफाइड ब्रांड है और ये प्लास्टिक पॉजिटिव है। जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं, ये बात इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब एक एक का प्राइस है 99 रुपीज़। अगर आपको इसे परचेस करना है तो इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो कांचन20 तो आपको इस पे मामाअर्थ की वेबसाइट पे एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी मिल जाएगा और ये अवेलेबल है मामाअर्थ की वेबसाइट पे, अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे, तो आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हो। इसका लिंक तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है, साथ में मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलिएगा कंचन20, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा मामाअर्थ की वेबसाइट पे। तो चलिए अभी खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आलू की सब्जी बनाने वाली और वो भी बहुत ही यम्मी वाली, तो ये मैं पूरी के साथ आज बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी और ये रस्से वाले आलू की सब्जी होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, एक नॉनस्टिक कढ़ाई में, और उसके बाद मैं चॉप कर लूँगी ऑनियन को। इसे हमें पीसना नहीं है, ऑनियन को बहुत ही फाइन चॉप करना है, तो इसीलिए मैं ये चॉपर में चॉप कर रही हूँ क्योंकि हमें पेस्ट नहीं चाहिए इसका। इसीलिए मैंने प्याज को चॉप कर लिया, फिर ऑयल डाल दिया, तो ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने तेज पत्ता डाला है, 2 तेज पत्ता, और उसके बाद जीरा ऐड किया है। तो जीरा मैंने चटकने के बाद वो जो प्याज था हमें चॉप करके रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करके रखा है, तो वो मैंने ऐड कर दिया उसमें। और फिर इसे अच्छे से चला लूँगी, जब तक चलाऊँगी तब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए इसे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी इसमें और उसके बाद भी अच्छे से चला लूँगी। तो यहाँ पर पेस्ट ऐड कर दिया है मैंने और उसे अच्छे से चला लूँगी, तो अच्छे से भून जाए और दोनों के भी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए, तो अच्छे से भून लेना है आपको इसे। और उसके बाद मसाले ऐड करने हैं आपको,
और जो बेसिक से मसाला है वही इसमें डालेंगे। तो लाल मिर्च पाउडर खत्म हो गई थी उसमें से, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला है और धनिया है, तो अच्छे से ये भी भून लेना है आपको। और उसके बाद इसमें ना ऐड करना है आपको दही, और दही ऐड करने के टाइम सिर्फ इतना याद रखना है कि दही हमारा फेटा हुआ चाहिए, क्योंकि फेटा हुआ दही हमें उसमें ऐड करना है, नहीं तो ये ऐसे आपका फटा दही फटा और वो अच्छा नहीं देखेगा, तो इसीलिए फेट के ही दही ऐड करना है। मैंने ना इसमें चॉपर में ही ये दही फेट लिया था, क्योंकि इसमें मैंने प्याज चॉप किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसमें ही दही फेट लेते हैं, मिक्सी का पॉट किस लिए ख़राब करना, तो मैंने इसमें ही दही फेट लिया था। और उसके बाद मैं अच्छे से इसे चला लूँगी, चलाते जाना है थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर ये दही फट जाएगा, इसीलिए अच्छे से चला लेना है। और उसके बाद दही मतलब जो तेल छोड़ने लगेगा और अच्छे से ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसमें से दही से, तो ये जब तक ऑयल नहीं छोड़ता तब तक हमें चला लेना है इसे अच्छे से। ये ऑयल छोड़ने लगेगा तब समझ जाना कि आपका जो मसाला है वो भून चुका है। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है आलू, तो यहाँ पर मैंने बॉईल आलू जो है एक एक डाल दिया है, इसे मैंने काटा नहीं है, तो इसे हमें ऐसे ही स्पून से ही काट लेना है। तो बस इसमें ऐसे ही डाल दिया है, और उसके बाद अच्छे से इसे पलटा लूँगी, जब तक ये मसाला उसमें नहीं लगता तब तक इसे अच्छे से पलटा लूँगी, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और बस इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि ये मसाला पूरा उसमें लग जाए। और उसके बाद मैं उसमें ही स्पून से मैंने उसमें ये आलू काट दिए है, और ये ना मैंने डाल दिया है गरम करके पानी इसमें, और अभी यूज़ करने लगी हूँ केटल, तो आप लोग देख लीजिए कि मैंने इसमें केटल में ही पानी गरम किया था जो मैंने अमेज़ॉन हॉल में दिखाया है आपको। अगर अमेज़ॉन हॉल आपने नहीं देखा है किचन ऑर्गेनाइजेशन वाला तो देख लेना, लिंक आपको वीडियो के एंड मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसके बाद इसे अच्छे से बॉईल होने देना है, काफ़ी देर तक आपको इसे बॉईल होने देना है, ताकि इसमें जो पानी ऐड किया है हमने वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए, और जो आपकी ग्रेवी बने बहुत अच्छे से गाढ़ी बने, ताकि हम लोग जब पूरी के साथ इसे खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा ये। तो काफ़ी देर तक इसे आपको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रखने देना है, फिर उसके बाद आपको इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो बन गई थी सब्जी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी इसकी। तो बस ये बाहर जैसी ही सब्जी बनी थी, और इसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर देना है आपको। और ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पर मैंने चावल भी लगा दिया साइड में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि मैंने जब प्लेट सही थी तो उस टाइम ना मैं शूट करना ही भूल गई, क्योंकि ना क्या हुआ था कि जो टेबल लाने वाले थे तो उन्होंने कॉल करके मतलब कॉल कर रहे थे बार बार एड्रेस के लिए, तो इसीलिए ना वो हो रहा था कि यार ये भी आ रहा है तो जल्दी जल्दी खाना खाना है, तो इसीलिए ना जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना खा लिया, जल्दी हमने पूरियां फ्राई कर ली और जल्दी से हम लोगों ने खाना खा लिया, तो बस वही प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके साथ आप पूरियां बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है आपको ये सब्जी, तो बना के ज़रूर देखना। उसके बाद ना मैंने जो आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि कुछ लिया है मैंने, तो वो आपके लिए सस्पेंस रखा था, तो एक्चुअली वही चीज़ आ गई है, और आपको बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, एक्चुअली उन्होंने कॉल किया था तो बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो कुछ नई चीज़ आती है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो ही जाती है आने के लिए, मतलब कब आएगी कब आएगी, तो बच्चों को भी पता नहीं था ना कि क्या लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैंने लिया है ये टेबल। एक्चुअली मुझे ये मेरे मेकअप वीडियोज़ के लिए चाहिए था, तो इसीलिए कुछ नहीं था, तो सेटअप तैयार करना था मुझे ऊपर ऊपर वाले रूम में, तो ये चाहिए था मुझे, और बहुत ज़रूरत थी इसकी, काफ़ी दिनों से मैं इनको बोल रही थी कि सेटअप रेडी करना है वहाँ पर ऊपर के रूम में, बट हो रहा था कि यार लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, फिर बहुत ज़्यादा कोरोना का वो हो गया था, तो उसके बाद हम लोग गए ही नहीं, बाहर तो निकले नहीं, आप लोगों को तो पता ही है मेरी सिचुएशन कैसी थी, मतलब मैं इतने दिनों से कभी बाहर ही नहीं निकली, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी तभी मैं बाहर निकली, तो अभी मुझे लेना था तो मुझे लगा कि चलो यार जाते हैं, और इनको भी छुट्टी थी तो हम लोग लेके आए, उस दिन बुक करके आए सिर्फ, फिर आज इन्होंने ये घर पे लाके दिया। तो आप देख सकते हो ये वाला टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, मैं आपको आने के बाद यहाँ पर दिखा दूँगी, बहुत अच्छा टेबल है और हमें भी देखते ही पसंद आ गया था। एक्चुअली ये ना मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने लिया, मैंने सोचा कि ये जब मेरा मेकअप का अगर काम भी नहीं रहा या मुझे अगर लगा कि ये मैं दूसरा रख सकती हूँ वहाँ पर कुछ चीज़ दूसरी रख सकती हूँ, तब ये नीचे भी काम आ जाएगा, ये शू रैक वगैरह हो सकता है या कुछ भी हो सकता है,
तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस टेबल की, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये हम लिविंग रूम में भी रख सकते हैं इसको शू रैक बना के, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ये ले लेते हैं। और इसका जो कलर है हमने इसीलिए ऐसे लिया है थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर, तक हम लोगों का अगर मूड चेंज हो जाए तो हम लोग इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, इसीलिए ये डार्क ब्राउन कलर लिया है। और बस ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे। इसे सैनिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसी वजह से ये स्प्रे कर रहा है, पूरा सैनिटाइज़र मार रहा है इसे। और फिर उसके बाद इसे ओपन करेंगे, पहले पोंछ लेंगे उसके बाद ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ना मतलब काफ़ी सारे हाथ लगे होते हैं, इसी वजह से करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और इसीलिए हम लोग बच्चों को भी हाथ नहीं लगाने दे रहे थे उसे, तो बस ये सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद ये ड्राई कपड़े से पोंछ लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी रख सकती हूँ। उसके बाद ये ड्रॉर है, इसमें भी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स रह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये वैसे टेबल, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो ये मल्टीपर्पज़ है, कहीं पर भी हम लोग रख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ले लिया। तो गाइज़ आपको टेबल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी दिनों से चाहिए था मुझे, आज फाइनली मिल गया वो, और मेरा अभी मेकअप का सेटअप रेडी हो जाएगा, ये बना के दे देंगे मुझे। और हाँ, काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रही थी कि जो हमने फ्लोर लगवाया है वो कौन सी चीज़ का लगवाया है, तो ये टाइल्स है डियर जो हमने लगवाई है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ टाइल्स कैसी है। तो टाइल्स लगवाई है, सारे घर में टाइल्स है, सिर्फ सीढ़ियों पर हम लोगों ने ग्रेनाइट लगवाया है, और बाहर थोड़ा सा वो करने के लिए, आउटलाइन देने के लिए पोर्च में ग्रेनाइट लगवाया है, बाकी सब टाइल्स ही है। तो आपको मैं फ्लोर की टाइल्स दिखा देती हूँ कैसी है, ग्लॉसी में ली है हमने, और सारी मतलब हॉल की अलग है और पूरे घर की अलग है, तो पूरे घर वाली भी दिखा देती हूँ और ये हॉल वाली भी दिखा देती हूँ। ये जो लिविंग रूम की टाइल्स है वो ऐसी है, मतलब कुछ थोड़े से उसमें डिज़ाइन है ये ग्रे कलर की, और उसके बाद ये जो टाइल्स है वो ग्लॉसी में हमने ली है और बहुत ज़्यादा शाइन करती है ये वाली टाइल्स। इस वाले टाइल्स में ना मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट लगती है ये देखने में, बट इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है, एक बार अगर आप मॉपिंग कर देते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे से शाइन करती है ये। और उसके बाद ये बेडरूम की और पूरे घर की इस तरह से है, तो ये भी टाइल्स बहुत ज़्यादा शाइनी है, बट ये प्लेन है पूरी, उसमें ग्रे कलर के वो थे लाइंस थी तो, बट इसमें ना कुछ भी लाइंस नहीं, ये पूरी प्लेन है। यही टाइल्स हमने पूरे घर में लगवाई है, तो ये कुछ इस तरह से है, कभी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट पोछना तो पड़ता ही है हर टाइल्स को। आपको जो मैंने आपको अभी बेडरूम की दिखाई है वैसे ही पूरे घर में है, और जो हॉल की दिखाई है वो सिर्फ हॉल में ही है, और पोर्च में लगवाई है, वैसे सिर्फ पोर्च में और हॉल में है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा कुछ। तो चलिए अभी मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैंने लाए थे और मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो ये है वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने लाए थे, शेप योर फेस का ये आई शेडो पैलेट है, और इसमें मुझे कलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे इसीलिए मैंने ये ले लिया। मैट है और एक दो शिमरी है शायद नीचे वाले, तो ये इसीलिए मैंने लिया था कि मुझे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे इसमें से। और ये एक स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें भी काफ़ी सारे कलर है, इसमें जो पहले वाला था इसमें थोड़े से कम कलर थे, बट ये जो स्विस ब्यूटी का है इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं और आपको भी पसंद आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, जैसे मैंने कलर्स देखे इसमें से तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा कि चलो ये ले लेते हैं। कुछ शिमरी है, कुछ मैट है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स हैं, हम लोग काफ़ी सारे आउटफिट पे इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ये वाला स्विस ब्यूटी का पैलेट है। और उसके बाद ब्रश भी ले लिया, एक्चुअली पर्पल से मैंने मंगाया था एक, बट अब मुझे लगा कि चलो अभी मिल रहा है ले लेते हैं, जल्दी तोड़ता है यार अद्विक तो बहुत जल्दी तोड़ देता है ब्रशेस मेरे, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। तो यहाँ पर एक ये आईब्रो पैलेट है, तो ये आईब्रो पैलेट ले ली, ये हिलैरी रोडा की है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था यहाँ से खुलता है तो इसीलिए मैं वहाँ से ओपन कर रही थी उसे, तो ये हिलैरी रोडा का है तो ये मैंने लिया है। और इसके बाद मतलब ये ओरिजिनल हिलैरी रोडा नहीं है, आपको तो पता ही है हिलैरी रोडा कितने ज़्यादा महंगे आते हैं, तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये ड्यूब है, चलो कोई बात नहीं अच्छा है, लेकिन ड्यूब भी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके बाद ये ने लिया है एक बंजर पैलेट, अच्छा लगा मुझे, इसमें ना तीन शेड है,
तो ये कॉन्टूरिंग शेड वगैरह, ये हाइलाइटर शेड वगैरह, तो काफ़ी अच्छा था मुझे ये भी पैक, मुझे ये ऐसा लगा कि चलो लेना चाहिए, तो ये ले लिया। फिर उसके बाद ये म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर, तो आप लोगों को पता ही है मैं यही यूज़ करती हूँ, और तो मुझे लगा कि चलो ये मेरा जो पहले वाला था वो ड्राई हो गया था, इसलिए मैंने ये ले लिया, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है मेरे पास, क्योंकि मैं लाइनर के लिए भी बहुत बार ये यूज़ करती हूँ और आईब्रो फिल करने के लिए भी। होप आपको पसंद आए होंगे। और आज है भूमि मेश्राम का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे डियर, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए, आगे आप जो चाहो वो आपको मिल जाए और आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, तो बस यही गॉड से प्रे करूंगी आपके लिए। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, लाइक में कंजूसी मत करना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उस पर ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। तो इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।